ओम शांति। परमात्मा को हम सब अलग अलग नाम, रूप और संबंधों से याद करते तो हैं ही। आज मैं परमात्मा से जुड़े शिक्षक के संबंध से उनसे मिली शिक्षाओं को सार रूप में आपके सामने रखती हूँ। परमात्मा ने हमें सिखाया, हम सिर्फ हड्डी मांस का पुतला शरीर नहीं है, हम शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप चैतन्य आत्मा है। हम आत्माएं सूर्य, चंद्र और ब्रह्मांड से भी पार परम धाम की निवासी हैं, जहां हम आत्माएं और सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। वो भी हम आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप ही है। सिर्फ वो हम आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसीलिए वो सदा ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन हम आत्माएं अपने घर परम धाम छोड़ धरती पर आकर अपना श्रेष्ठ जीवन जीना शुरू कर देती हैं। आत्मा और प्रकृति की सतो प्रधानता की वजह से बहुत श्रेष्ठ और सुंदर जीवन होता है। लेकिन धीरे धीरे हम आत्माओं की शक्ति कम होने लगती है और जीवन में दुख, अशांति छाने लगती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, जीवन को फिर से श्रेष्ठ, सुंदर, सुखमय और सतो प्रधान बनाने के लिए अपने आप को मस्तक में विराजमान देह से अलग आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। परमात्मा से पुनः अपने अंदर शक्तियां भरें। इसे राजयोग कहते हैं। तो क्यों ना हम परम शिक्षक परमात्मा के ज्ञान को गहराई से सीखें, समझें, अनुभव करें और सभी आत्माओं तक पहुंचाएं, जिससे सबका जीवन पुनः सुखमय बन जाए।